नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का रोहित फैजल यूट्यूब चैनल में। सो पबजी मोबाइल लाइट बीटा में कल रात को एक और न्यू अपडेट आया 0.18.3 का। जैसे कि आप लोग देख सकते हो लेफ्ट साइड में ऊपर गेम का वर्जन 0.18.3। सो इस अपडेट के बाद जो गेम है वो परफेक्ट हो गया है। जितने भी बग्स थे वो सारे के सारे फिक्स्ड हो गया था। अब हमें ऑफिशियल वर्जन में कभी भी ये अपडेट देखने को मिल सकता है। तो गाइस 0.18.3 में कुछ न्यू चेंजेस भी हुए हैं, वो मैं आप लोगों को इस वीडियो में बताऊंगा। तो इस वीडियो को आप लोग शुरू से लास्ट तक जरूर देखना। और हाँ दोस्तों, 0.18.1 और 0.18.2 के बीटा वर्जन में भी बहुत सारे न्यू फीचर्स ऐड हुए, तो उसके बारे में ऑलरेडी मैं वीडियो बना चुका हूँ। अगर आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखा है तो देख लेना, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। 0.18.1 एंड 18.2 में बहुत सारे न्यू फीचर्स ऐड हुए। अब ये 0.18.3 का जो अपडेट आया है इसमें भी छोटे मोटे न्यू चेंजेस हुए हैं और बग्स तो ऑलमोस्ट सारे के सारे फिक्स हो गए हैं और कुछ न्यू फीचर्स भी ऐड हुए। तो कौन कौन से वो न्यू फीचर्स, लेट्स फाइंड आउट। सो 0.18.3 अपडेट के बाद जो पहला न्यू फीचर मैंने नोटिस किया दोस्तों, अब जब आपके आसपास कोई ग्रेनेड करता है तो दोस्तों आप लोगों को एक वार्निंग टाइप का मिल जाता है। जैसे कि आप लोग देख सकते हो यहाँ पे रेड सा ये सर्कल सा बन रहा है, तो इससे आपको पता चल जाएगा कि हाँ भाई आपके आसपास जो है एक ग्रेनेड गिरा हुआ, तो आपको इधर उधर भागना है, इससे बच के मतलब इससे दूर जाना। तो इससे गेम और ज़्यादा इजी हो जाएगा। आई डोंट नो, टेंशन वाले पबजी वाले लाइट को इजी ही इजी क्यों बनाते जा रहे। बट हाँ गाइस, ये एक न्यू फीचर ऐड हुआ है कि अगर आपके आसपास कोई ग्रेनेड करता है तो आप लोग को एक वार्निंग सिग्नल मिल जाएगा, एक सर्कल सा बन जाएगा रेड कलर का, उससे पता चल जाएगा कि हाँ भाई आसपास ग्रेनेड है। एक और चीज़ जो न्यू नोटिस किया है मैंने ये 0.18.3 अपडेट के बाद दोस्तों, ये जो केबल कार है दो न्यू लोकेशन में और ऐड कर दिया गया है और इसमें काफ़ी चीज़ें फिक्स भी हुआ है। तो ये गाइस विस्टा के पास आप लोग देख सकते हो, विस्टा और ओल्ड बेशन के पास ये न्यू केबल कार को ऐड कर दिया गया है दोस्तों। अब जो केबल कार है पहले से बहुत स्पीड चलता है और काफ़ी लंबी दूरी भी तय करता है। जैसे कि इसमें मैं चढ़ गया, इसमें जैसे मैं सेलिब्रेट में क्लिक करूंगा तो ये मूव होने लग जाएगा और मेरे को जो रिवर पार करवा देगा और वहाँ उस तरफ जो वेयर हाउस है गाइस वहाँ तक पहुँचा देगा। तो आप लोग देख सकते हो पहले जो 0.18.1 और 0.18.2 में जो केबल कार थे उससे काफ़ी स्पीड ये चल रहा है, आप लोग देख सकते हो। और गाइस कंप्लीटली ये बहुत लंबा है कंपेयर टू दैट 0.18.1 का। ओके, एक और न्यू लोकेशन है जिसमें ये केबल कार को ऐड किया गया है, वो लोकेशन भी मैं आप लोगों को बताऊंगा। सो लेट्स गो। दूसरा लोकेशन जहाँ पे ये केबल कार ऐड किया गया दोस्तों, वो चर्च के पास है। जैसे कि आप लोग देख सकते हो चर्च के पास मैं पहुँच चुका हूँ और यहाँ पे एक केव टाइप का भी है। अगर ये न्यू ऐड हुआ, अगर आप लोगों को नहीं पता तो ये 0.18.1 और 18.2 में ही ऐड हो गया था, लेकिन अगर आप लोगों को नहीं पता है तो बता दूँ ये न्यू केव भी ऐड हुआ है 0.18.0 अपडेट में। ओके गाइस, सो इसके बाद आप लोग ऑब्वियसली जैसे कि मैं आप लोगों को बता चुका हूँ कि न्यू लोकेशन ये चर्च के पास भी आप लोगों को ये केबल कार जो है देखने को मिलेगा। हालांकि यहाँ से आप लोग बैठ नहीं सकते, मेरे को पता नहीं इस बार नहीं बैठ सकते या हमेशा ऐसा होता मुझे नहीं पता। तो मेरे को नेक्स्ट लोकेशन में जाना पड़ा जहाँ पे ये केबल कार मेरे को छोड़ता है और वहाँ पे जाके मेरे को बैठना पड़ा। और जैसे मैं आप लोगों को बैठ के यहाँ पे दिखा देता हूँ और सेलिब्रेट में क्लिक करता हूँ, तो ये मेरे को एग्जैक्टली पता नहीं चल रहा कि ये केबल कार जो है परमानेंट रहेगा मैप में या नहीं रहेगा, क्योंकि इसमें सेलिब्रेट लिखा आ रहा। तो ऑब्वियसली एक साल कंप्लीट होने का एक साल एनिवर्सरी ये बनाएंगे, उसके बाद ये हटा देंगे ये केबल कार को या नहीं पता है, ये एग्जैक्टली पता नहीं है। लेकिन गाइस हाँ, आप लोग को ये दो न्यू लोकेशन में ये केबल कार देखने को मिलेगा और पहले से काफ़ी स्पीड चल रहा है ये केबल कार, आप लोग अगर नोटिस कर रहे हो तो। ओके और गाइस, तो ये चेंजेस हुए ये 0.18.3 अपडेट में, ग्रेनेड का सिंबल वार्निंग वाला और ये दो नए जगह में गाइस न्यू लोकेशन में केबल कार आप लोग को देखने को मिलेगा। ओके, इसके अलावा और भी कुछ चेंजेस हुए हैं तो मैं गेम खेलूंगा, मैचेस खेलूंगा, उसमें मैं नोटिस करूंगा तो आप लोग को बताऊंगा। और इसके अलावा गाइस वो कंट्रोल्स जो बग्स थे वो सारे के सारे फिक्स हो गए हैं। जैसे कि आप लोग देख सकते हो ऑलमोस्ट ये जो 0.18.3 अपडेट के बाद गेम जो है ये परफेक्ट हो गया है। अब मेरे ख्याल से ऑफिशियल अपडेट आने का एकदम तैयार है, लेकिन लेट्स सी, ये टेंशन के ऊपर ही डिपेंड करता कि ये 0.18.0 या फिर 0.18.3 का जो अपडेट है ऑफिशियल अपडेट कब रोल आउट करते हैं पबजी मोबाइल लाइट ग्लोबल में। ओके, मेरे ख्याल से 10-1 दिन लग जाएगा, लेकिन फिर भी देखते हैं पबजी मोबाइल लाइट के ऊपर ही ये वो सारी बात। ऑलराइट गाइस, सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस।